वहीं रविवार को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कैंप 2 गुरुद्वारा कमेटी द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। इसी कड़ी में सेक्टर 2 BSNL चौक पर सिख यूथ फोरम भिलाई द्वारा गर्मजोशी के साथ नगर कीर्तन का स्वागत सम्मान किया गया। सिख यूथ फोरम भिलाई द्वारा नगर कीर्तन का स्वागत करते हुए विशेष तौर पर नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारे साहिबान का शिरोपाव देकर सत्कार किया गया एवं कीर्तन में शिरकत करने वाले समूह संगत के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी पूरे श्रद्धा के साथ की गई। इस मौके पर सिख यूथ फोरम के सदस्यों समेत क्षेत्र के अन्य सामाजिक एवं गैर सामाजिक युवकों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सहयोग किया। स्वागत कार्यक्रम की जानकारी सिख यूथ फोरम के महासचिव जसवंत सिंह खालसा एवं प्रधान सुच्चा सिंह ने ग्रैंड एशिया न्यूज को दी। आज आप सभी भाई नगरवासियों को दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भाई ग्रुप के समूह गुरुद्वारा प्रमुख बेटियों और सिख यूथ फोरम द्वारा ये विशेष शुभराला किया गया है, जिसमें कैंप का गुरुद्वारा से आरंभ होकर नगर कीर्तन का शुभारंभ है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए सिख यूथ फोरम की तरफ से हर साल की तरह ही जितनी भी बाहर से संगत आती दर्शन करने के लिए, उनके लिए एक विशेष लंगर की और गर्म जल की दूध की व्यवस्था की गई है। और तकरीबन ये 23वां साल है जो सिख यूथ फोरम अपनी सेवा को निभाते आ रहा है। आज नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारे साहिबान का भी सिख यूथ फोरम के हमारे प्रधान सुचा सिंह जी और प्रधान प्रकाश सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजपाल सिंह जी की तरफ से सत्कार किया गया और स्त्री सत्संग सभा की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया है। और आने वाले समय भी चाहे वो नगर कीर्तन का मामला हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, सिख यूथ फोरम हमेशा ही अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करता रहेगा और इसी तरह के हर आयोजन में अपना हिस्सा लेता रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि महाराज जो सबसे बड़े जो कवि भी थे और ये सिपाही भी थे, संत भी थे, उनकी महानता है कि उन्होंने अपने परिवार को जान दे पूरे संसार में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि उनकी चारों बेटों को बलिदान कर दिया, इसलिए इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। इनका ये शहंशाह महाबली थे, ये 14 लड़ाइयाँ लड़ी है इन्होंने, इनकी खुशी है इतनी संगत में इकट्ठा होना। मैंने इनके पति बहुत ही उदारता है, हिंदुस्तान को धर्म की वजह से इन्होंने धर्म को बचाया है, हिंदू धर्म को बचाया है, अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने चार साहबजादों की कुर्बानी दी, ये इनकी महानता है। इनको ही गुणगान गाते हैं लोग, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर निकाले गए नगर कीर्तन की धूम पूरे प्रदेश भर में दिखाई दी एवं भिलाई शहर भी वाहे गुरु के नारों के साथ गुंजायमान होता रहा।
ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।